तो यार ब्रह्मा में चलो क्या कर रहा है, इतना जबरदस्त बनाया तो मेरा मजा आ गया। ठीक है सर, प्लीज बैठ जाओ, वीडियो बनाते हैं। और आप चाहते हैं कि आप फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने डीसी मशीन को भी कंप्यूटर के अंदर प्रोजेक्ट करें, आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपका मल्टीमीटर प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए डिवाइस सबसे बेस्ट है। वो एक डायलॉग है ना, बहुत फेमस डायलॉग है हमारे रिपेयरिंग में, कि जितना तुम एक महीने में कमाते हो ना मेरी जान, हेलो, उतना हम एक जंपर मार के कमाते हैं, हेलो। आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर? सर हमें फॉर्म फाइंडर बहुत अच्छा लगा, पूरा सर्किट चेक करने की जरूरत नहीं है, जहाँ बताएंगे वहीं पर फॉर्म चेक कर लेंगे हम, और पूरा सर्किट ओके बता देंगे। वेरी गुड, आइए बताओ। सर मुझे इसका फॉल्ट फाइंडर तो अच्छा लगा ही, और साथ में इसका ना जो डीसी मशीन का ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा लगा। क्या होता है एक्चुअली, क्या है कई बार वीडियो बनाते हैं सो हमें बार बार डीसी मशीन पर रीडिंग शो करानी पड़ती है, सो पर्सनली मुझे सर का ये बहुत अच्छा लगा, हम इसे अच्छे से डिस्प्ले पे शो करा सकते हैं, और जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कब कितनी कैसी रीडिंग जाती है, कई बार क्या वीडियो बनाते समय इस बात का डाउट रह जाता है कि उन्होंने दिखाया कुछ है ऊपर दिखा बनाया कुछ है, सो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। यहाँ पे बेटा हर कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, हेलो, कि ये हमें मोबाइल रिपेयरिंग कितना आसान करता है, हेलो। आज अभी हम वर्ल्ड वाइड लाइव है, मतलब इंडोनेशिया के अंदर हमारे जो लाइव है उसको सेल किया गया है, चाइना के अंदर, इवन बहुत सारे कंट्री में, क्योंकि एलजी भी प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि एशिया टेलीकॉम के थ्रू प्रभाव इस पूरे देश में ये बताएं कि ये वाकई में फायदेमंद है कि नहीं। तो एक बार हम लोग, आप मुझे बताना ये पूरी क्लास के बाद कि ये लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, हेलो। चलो जो भी स्टूडेंट अगर मोबाइल बिल में काम कर रहा है, जो हार्डवेयर का काम कर रहा है, जो इमेंसी करना चाहता है, जो सॉफ्टवेयर करना चाहता है, उसके लिए डिवाइस काफी अच्छा रहेगा। मैं आपको इस डिवाइस की सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रेडबोर्ड की। ब्रेडबोर्ड फिर आप देखो तो एक स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल है, ये बेसिकली आपको मोबाइल को फॉन्ट फाइंडिंग के लिए काफी आसान होता है, इसके अंदर एंड्रॉइड आईफोन हर तरह की चीज है। कुछ यहाँ पे टैब मिलेंगे, जैसे ट्रेनिंग बुक हो गया, ट्रेनिंग वीडियो हो गए, यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी जो वीडियो होंगे वो अलग अलग लैंग्वेज में, इसके अलावा फोन डाटा सीट हो गई, मतलब यहाँ पर आपको आईसीयू की डाटा सीट भी मिल जाएगी, जैसे अगर हम कॉलम के अंदर जाए तो आप देखो तो यहाँ पे PLU 660 की डाटा सीट है। सो डाटा सीट कैसी, यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने कोई GR पैड नहीं दिया है, आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है, कंपनी का डाटाबेस होता है जिसको उन्होंने बकायदा निकाल कर अपने अपलोड किया है, आप नोटिस करो। यहाँ पर आईसीयू के अंदर का इंटरनल फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बताया है कि किस तरीके से ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो अंदर कुछ FETs लगे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी FET लगा है, एक चार्जिंग FET लगा है, FET मतलब जिसको फ्यूल इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, फ्यूल गेज सर्किट है, यहाँ पर अलग अलग सर्किट है, देखो LDO को किस तरह से ये दिखा रहा है, सो आप देखेंगे L1 L6 अलग अलग पार्टीशन में इन्होंने LDO को जनरेट किए हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे फ्यूल गेज है, अब फ्यूल गेज क्या होता है तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर हर चीज लिखी हुई है फ्यूल गेज के बारे में, कि बेसिकली फ्यूल गेज किस तरह से काम कर रहा है, बेसिक बैटरी डिटेक्शन, रिमोट थर्मिस्टर सेंसिंग या बैटरी करंट लिमिटर BCL बोलते हैं, जिसके अंदर आपको मीटर के फोटो के अंदर एक सेंस रजिस्टर भी देखने को मिलेगा, और उसके अलावा हायर LDO लोअर LDO ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा है। अगर मैं इस PCB अगर इसके PDF की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट होने वाला है वो इसका ब्लॉक, इसके इस तरह का पार्ट है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये इसके IC का डाटाबेस है जिसके अंदर इसके ICU की डिटेलिंग लिखी है। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि यार ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मे बी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर यहाँ पर जानना चाहेंगे जैसे यहाँ पर BS सूची लिखा हुआ है S3, तो ये क्या होता है, GPIO क्या होता है, तो सबसे पहले आप नोटिस करो तो नीचे कलर के हिसाब से उन्होंने डिपार्टमेंट लिखे हुए, जैसे यहाँ पर इनपुट पावर मैनेजमेंट है तो उन्होंने बता दिया कि जो भी पीले कलर का होगा इसके अंदर वो GPIO मतलब जनरल पर्पज अलाउड है, जो कि CU से एक ऐसी लाइन है जिसको हम चालू भी कर सकते हैं, फोन के अंदर वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, इवन फोन के हम मल्टीमीटर से डायोड बोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं, और ये एक डिजिटल है। अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये एक डिजिटल आउटपुट है, मतलब अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर थोड़ा यहाँ से सामने से साइड हो, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने डीसी मशीन को भी कंप्यूटर के अंदर प्रोजेक्ट करें, आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपका मल्टीमीटर प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए डिवाइस सबसे बेस्ट है।
एक मल्टीमीटर आपके नाम दिखाई दे रहा है, बेसिकली मैं आपको बताऊं एक दो और एक तीसरा मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा है कहां पर। तो तीन मल्टीमीटर है अभी, यहाँ पर दो मल्टीमीटर दिखाई दे रहे हैं। रीजन ये है कि मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज करेंगे इसको। तो अब देखो तीन मल्टीमीटर दिखाई दे रहे हैं, एक दो और एक तीसरा तीन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अपने एक मल्टीमीटर पे जाऊं, आप नोटिस करो ये तो मेरा ये मल्टीमीटर है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो एक विंडो ओपन होगी यहाँ पर, ये देखिए। तो ये जो विंडो है ये फॉल्ट फाइंडिंग विंडो है, मतलब इसके अंदर आप देखो तो बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे और जिसके अंदर हम अपने फोन का किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अब वो डायग्नोस डैशबोर्ड में भी है, वो डायग्नोस डिस्प्ले में भी है। अगर आपका लाइट चार्जिंग कुछ भी नहीं है तो आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मैं आपको डायग्नोस करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बेसिकली काम करता है, अभी आप इसको समझो। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। जो दूसरा मल्टीमीटर है ये फॉल्ट फाइंडर हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक मल्टीमीटर हम नीचे इसको मैं ओपन करूंगा, ये सबसे बेस्ट है आरपीएस का और पूरे वर्ल्ड में अब तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसमें डीसी और मल्टीमीटर दोनों एक साथ है। तो ये पहला डिवाइस है पूरे वर्ल्ड का। जो मैं शुक्रिया मतलब मैं थैंक्सफुल हूँ योगी भाला जो कि इसके क्रिएटर है इंडोनेशिया, जो को फाउंडर है प्रेगमेक सॉफ्टवेयर कंपनी के। आप देखो तो यहाँ पर सबसे पहले वो उसको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि अभी कोई भी चीज कनेक्ट नहीं है क्योंकि अगर मैं केबल लगाया हुआ है। तो मैं जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया यहाँ पर कनेक्टेड आ गया है और ये ग्रीन हो गया है। अब मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शो करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ लिखा हुआ है पैसिव मेजरमेंट, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव मेजरमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई एनालाइजर, ये है पावर सप्लाई एनालाइजर और ये सप्लाई एनालाइजर। तो हम इन सबकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस डिवाइस को यूज करना चाहें तो पैसिव मेजरमेंट क्या है और ये क्या काम करता है और पैसिव मेजरमेंट हमारे लिए क्या कितना अच्छा है नहीं है ये देख लेते हैं। तो पैसिव मेजरमेंट को जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखो एक मल्टीमीटर खुल गया है जिसके अंदर आपको दो डिस्प्ले या तीन डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहे हैं। एक डिस्प्ले आपको यहाँ पर एनालॉग डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, एक डिजिटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक बार में आपको दिखाई दे रहा है जो बेसिकली आपको ग्रीन ऑरेंज और रेड करके आपको बता रहा है कि बेसिकली वो कितने में आपको मिलने वाला है लॉकडाउन वोल्टेज के साथ। यहाँ पर आप देखो तो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। इवन ये जैसे मैं आपको एक फॉल्ट एक सलूशन देना चाहूंगा, जैसे मान लो अभी डिस्प्ले का फॉल्ट आया और आपने ग्राफिक्स नहीं आ रहा है और आपने उसके डायोड बोर्ड की कनेक्टिविटी चेक की, आपने देखा कि कनेक्टर की डायोड बोर्ड बिल्कुल ओके है, फिर आपने वोल्टेज चेक की तो आपने ये भी देखा कि कनेक्टर का वोल्टेज भी ओके है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.8 आ रहा है, प्लस 5 माइनस 5 बन रहा है, उसके अलावा जो रिसेट का वोल्टेज है 1.8 वो भी बन रहा है, उसके अलावा आईडी और जो टीई की लाइन है वो भी आपकी क्रिएट हो रही है। तो आप फिर ये सोचेंगे कि मैं चेक क्या करूं क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया, मेरा वोल्टेज ओके है, मेरा डायोड मोड ओके है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरा जो मोड होता है वो होता है ओम्स मोड। अब आपको करना क्या है, अब आपको ओम्स मोड में उस कनेक्टर की वैल्यू निकालनी है और आपको उसको पता ओम्स मोड तभी काम में आएगा जब आपके पास सेम मोड होगा। अगर आपके पास सेम मेजरमेंट का मोड है तो आपको पहले ओके मोड की ओम्स मोड की रीडिंग लेनी है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये 8.3 के बता रहा है, सपोज हमने एक लाइन है रिसेट, हमने उसकी रीडिंग ली 8.3 के और अगर हम अपने फर्टी मोड में जाए और वहां पर आ रही है मेगा में या वहां पर आ रही है ओम्स में, तो उसका मतलब ये है कि उस लाइन पर वोल्टेज और सप्लाई तो सही है पर उस लाइन पे कोई ना कोई पुलअप सर्किट ओपन हो गया है या किसी प्रकार के रजिस्टर की वैल्यू बदल गई है, इस वजह से वो लाइन की थर्ड से जुड़कर हमें जिया दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो रिसेट के अंदर 1.8 वोल्टेज का पुलअप लगा है, अब मान लो कि रिसेट C2 से तो कट गया और उसको जो 1.8 है वो भी मिल रहा है क्योंकि पुलअप तो होता है ठीक है हेलो और उसको GR पुलअप से मिल रहा है हेलो तो मतलब GR भी मिल रहा है और वोल्टेज भी मिल रहा है। तो ये ले लेकर ये बात हुई कि हम ये सोचेंगे कि भाई GR 1.5 मिल रहा है, 1.5 क्यों, क्योंकि 1.5K का रजिस्टर लगा, 2K का रजिस्टर लगा इसलिए 1.5 मिल रहा है। हमने सोचा 1.8 मिल रहा है, हाँ 1.8 भी मिल रहा है पर हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे DPDM की सप्लाई बताई थी हेलो, मैंने आपको ये भी बताया था कि I2C कैसे चेक करते हैं हेलो, कि सीरीज में रजिस्टर सीरीज का वैल्यू चेक करनी होती है। अगर लाइन में सीरीज में कोई कंपोनेंट नहीं लगा है तो उसकी रीडिंग हमेशा 300-800 जाएगी और अगर लाइन में एक 1K या 2K या जो भी K लगा है तो उसकी रीडिंग हाई वैल्यू में आएगी। पर अगर उसका पुलअप लगा है और सीरीज में कुछ नहीं लगा तो उसकी वैल्यू तभी 300 आएगी और अगर वो वैल्यू अगर वो लाइन कट जाएगी तो उसकी वैल्यू 1000 की बढ़ाएगी। तो ये चीज क्या है, ये ऐसा मल्टीमीटर है जो आपको डायोड मोड वैल्यू और ओम्स वैल्यू एक साथ देता है। मतलब ये मेरे को पहली बार जब मैंने इसको चलाया मेरे इतना अच्छा लगा और ज्यादातर मैं अपने लैब के अंदर यही मल्टीमीटर यूज करता हूँ। अभी आप देखो किस तरीके से तो मैं एक PCB के अंदर इसको चलाकर आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ मिलन सर ज्वाइन करेंगे, मिलन सर सुनो बैठो। तो मैंने एक बार मिलन सर के जो था ताली बजाओ ठीक है और मेरे साथ दुर्गे सर भी है, एक बार दुर्गे सर की योगा ताली बजाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैसिव मेजरमेंट की अगर हम रीडिंग लेंगे तो मैं आपको कैमरे में
में कोई भी अडेप्टर नहीं लगेगा। डायोड मोड यूज करने के लिए कोई भी अडेप्टर नहीं चाहिए, केबल आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और आपको केबल मल्टीमीटर की वायर लगानी है। आप नोटिस करेंगे, पकड़ना मिले आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको दो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक को ऑन करना है और एक को नहीं। अगर मैं बता दूं कि दोनों पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देखकर बताऊंगा। एक पर लिखा है ऑन ऑफ और एक पर लिखा है वीबैक और वीबस। तो आपको क्या करना है, जो बटन है उसको वीबैक पर रखना है और जो ऑन ऑफ वाला उसको ऑन पर रखना है। तो अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है मिलन सर, आप रखना फिर से ऑन करो। सो देखिए मैं माउस यूज कर, देखो रखना फिर हमने लिया है सामने। अब हम एक पीसीबी सामने रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं बीबैक का जीआर। सो मुझे बताओ बीबैक का जीआर कितने से कितने तक आता है? 300 से 800। हेलो कितना आता है रिवर्स में? कितना आता है 1000 के ऊपर? अगर रिवर्स में 800 के नीचे आए तो क्या होगा? 40। हेलो तो मिलन सर एक बैटरी कनेक्टर को चेक कर रहे हैं, आप लोग बताना जीआर कितना आ रहा है, प्लस उसके साथ आप देखना ओम जोन दोनों को और इवन मल्टीमीटर को फ्लक्चुएशन देखना। हाँ भाई मिलन सर जीआर ग्रुप पे तो कितना जीआर आ रहा है, देखो 560। अब देखो यहां पर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो इसको हम जीआर बुलाते हैं क्योंकि ये वर्ड आया है चाइना से, समझ लो ग्राउंड रजिस्टर, बट ये एक मिली वोल्टेज होता है। हेलो ये क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर 560 मिली वोल्टेज स्टेबल आ रहा है। और अगर हम वैल्यू की बात करें अपने ओम्स की तो कितना आ रहा है जल्दी बताइए? 2.67 के। तो ये हमारी एक परफेक्ट ऑन मोड की रीडिंग है। अब इसी को रिवर्स मोड में लो तो उल्टा हम चेक करेंगे तो हमें 1000 की और वैल्यू मिलनी चाहिए। बी बैक पर जो कोई मल्टीमीटर्स रहते हैं वो सही से वैल्यू नहीं दिखा पाते, ये मिली वोल्ट के अंदर की जो वैल्यू रहती है उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का फ्लूक जैसा मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा तभी हमें सही वैल्यू मिलेगी। मतलब मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर केवल 2K तक की रीडिंग दिखाते हैं। हेलो 2K के ऊपर की रीडिंग नहीं दिखाते, वो वही मल्टीमीटर है ऑटो मोड वाले। कौन से मोड वाले? इसलिए ये यहां पर 2K के ऊपर की रीडिंग दिखा नहीं रहे, ठीक है। सो हम किसी भी एक कंपोनेंट की वैल्यू अगर हम यहां पे चेक करें कोई जीआर किसी भी कैपेसिटर या एक कॉइल का चेक कर लो, कॉइल का जीआर नोटिस करो तो कॉइल का यहां पे जीआर मिल रहा है 416 मिली वोल्ट, अगर 416 जीआर उल्टा चेक करेंगे तो यहां पर 1000 के ऊपर मिलेगा। हम हर लाइन पे ये देख सकते हैं, देखो आगे बहुत अच्छा एक सोल्यूशन लेके और जाओ किसी भी लाइन पर, बोलो किसी भी लाइन पर रिवर्स मोड पे, रिवर्स मोड पे जीआर जीआर 800 से कम रहा, तो हमें रीडिंग किया है जिसको हम कहते हैं कूल टेस्टिंग। हेलो पर जब हमने इसको क्या किया रिवर्स, जिसको हम रिवर्स टेस्टिंग कहते हैं, तो हमें कितनी की ऊपर आनी चाहिए रीडिंग? अब यही अगर लीकेज होता, ये लाइन लीकेज होता, इसके साथ कैपेसिटर लीकेज होता तो ये रीडिंग आता 300 400 500। हेलो ये चीज किस चीज को क्लियर है जल्दी बताइए? तो ये है आपका पैसिव मल्टीमीटर का। कैसा लगा आपको ये वाला? इसका बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? मतलब आप देखो कि दोनों आपको चीजें मिल रही है, ओम से मोड भी मिल रहा है साथ में कौन सा डायोड मोड। अब हम जाएंगे इसके एक्टिव मेजरमेंट में, मिलन सर यहाँ पे क्लिक करो एक्टिव मेजरमेंट देखते हैं इसमें क्या है। सो देखो एक्टिव मेजरमेंट क्लिक करते साथ ही डीसी पावर सप्लाई बन गया, मतलब अभी ये मल्टीमीटर था और अभी एक कोरा डीसी मशीन बन गई, ये समझ लो आप। तो मतलब आप एक छोटे से डिवाइस में पॉकेट में रख के जा सकते हो जहां आपको मन है, जहां आपकी
आपकी मर्जी है। अब आप नोटिस करो इसके साथ में फ्रीक्वेंसी काउंटर भी है। फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी काउंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी अगर बोर्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी चेक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी क्रिस्टल आईसी है, अगर हम क्वालकॉम की बात करें तो हमारा जो शुरुआती क्रिस्टल है वो 90.2 मेगाहर्ट्ज़ का है। हेलो, अगर हम उसको इस मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पर 19 किलो हर्ट्ज़ आना चाहिए। हेलो, 19 किलो नहीं 19 मेगाहर्ट्ज़ आने चाहिए। कितना आना चाहिए? ये बूट केबल आप थोड़ा सा देखो इसको,
ये बूट केबल डुअल बूट केबल है, इसमें आईपॉड एंड्रॉइड दोनों के ही केबल आते हैं। सबसे पास इसके अंदर सबसे पहला तो ये इसको आई बूट डी बोलते हैं, डी का मतलब डिस्प्ले। इसके अंदर उन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है, गजब का काम करता है। मिला सर इसको ऑन करो सर बूट केबल को। अब हम क्या करेंगे, बूट केबल को उसमें लगाएंगे। दिखाओ कैसे ऑन करेंगे, वहां पर दिखाओ डिवाइस को। ये देखो तो हमने बूट केबल को यहां लगाना है, ये डीसी सप्लाई का केबल का है। ठीक है, तो जैसे ही बूट केबल लगाया दिखाओ, तो देखो ये बूट केबल यहाँ पे ऑन हो गई है और यहाँ पर ये जीरो जीरो दिखाई दे रही है। बट मैं आपको बताना चाहूँ अभी इस मल्टीमीटर इसके मीटर में भी देखो जरा ऑप्शन ओपन, सॉरी तो इसके मीटर में भी चेक करते हैं क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो तो इसके मीटर में आप देखो तो यहाँ पर वो ऑलरेडी कुछ एम्पियर खा रहा है। हेलो, ये जो एम्पियर है ये है 0.40 मतलब 40-50 मिली एम्पियर। हेलो, 40-50 मिली एम्पियर, ये 40-50 है साहब, ये 400 नहीं है। 400 तब होगा, 400 जब ये यहाँ आ जाएगा, 400 एम्पियर 400 मिली, पर मिली में रहेगा और यहाँ आएगा तो 1 एम्पियर बन जाएगा। तो अभी को 3 के फिगर में है तो हम 2 फिगर को चेक करेंगे। जैसे हम इसको बोल सकते हैं ये 40 रुपया है, जब ये 100 रुपया बनेगा और 1 एम्पियर मतलब 1000, तब इसको यहाँ आना पड़ेगा, तो ये 3 के फिगर में आएगा। तो आप इसको नॉर्मल डीसी सप्लाई में जब कनेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी इतना एम्पियर खाएगा। तो ये आपने देख लेना है कि आपका मोबाइल इसके ऊपर ऑन होना चाहिए, मतलब इतना एम्पियर तो ये लेगा। और ये बेसिकली इस बूट केबल का ये जो लोड ले रहा है, ये लोड इस डिवाइस के अंदर जो लाइट जल रहा है आपको दिख रहा है, सर्किट है इसका लोड है, है ना। इसको आपको जब भी मोबाइल फोन ऑन करना है इसको माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, अब हम इसको पहले इसको आपस में स्विचिंग करेंगे। मिला सर इसके प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट करो, ट्विजर लाया हूं बैग में, ट्विजर रखिए, देखो बाहर भाग है। देखो तो जैसे ही वो शॉर्ट कर रहे हैं, करो सर, तो वैसे ही ये जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। और ये शॉर्टिंग होने के टाइम पर ये पूरा जो आपका एमिटर एनालॉग है एक तरह से, उसका जो आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ तक रेड तक आ जा रहा है। तो रेड थिंग ये बता रहा है कि जो ये शॉर्ट कर रहा है, वैसे ही यहाँ के लिए मतलब ये फोन हाई एम्पीयर भी ले रहा है जो कि 1 एम्पीयर के ऊपर जा रहा है। और अभी आप देखो ये ऑरेंज में है क्योंकि 600-700, तो हम इससे का एक अनुमान लगा सकते हैं कि जब भी हमारा फोन 500-600-700 रहेगा, यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पर रहेगा जल्दी। अब फोन सर इसमें डिस्प्ले आ गई, ठीक है, तो हमारे को देखो डिस्प्ले भी आ रही है, फोन कंप्लीटली तरीके से चालू हो गया, प्रॉब्लम फिक्स ने फोन को रीस्टार्ट नहीं किया है। हेलो, एक बार जोरदार ताली बजा दो इस चीज के लिए। सॉफ्टवेयर में मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम किया है एक टीम ने इंडोनेशिया में, यदि अच्छी कोडिंग के साथ ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि फोन में लैग नहीं हुआ, रीस्टार्ट नहीं हुआ फोन में। और आप देखो वो फोन पूरी तरीके से ऑन है, अभी भी देखो तो यहाँ पे टच भी चल रहा है, मेरे सर देखिए चल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टच चलाते हैं एम्पियर थोड़ा बढ़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको लोड ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद हम फोन को स्लीप मोड में जाने देंगे, तो स्लीप मोड जाने के बाद आप देखेंगे हमारा एम्पियर सडनली उतरने लग जाएगा क्योंकि हम फोन को यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर फोन हमारा कोई भी खपत नहीं दे रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, तो हमारा फोन करीबन 100-200 या 100 मिली एम्पियर के भी नीचे उतर जाएगा जो कि वापस 50-60 में आ जाएगा। पर ऑलरेडी क्योंकि 40 ये खुद खा रहा है तो ये कम से कम 100-150 में रहेगा। हेलो, तो देखो अब हमारा खपत नीचे जा रहा है, अभी भी 500 है, देखो और नीचे चला गया। अब आप देखो तो हम कितना है बताइए, और देखो 70-60। हेलो, अच्छा इसको 40 घटाओ तो कितना होता है, 30, मतलब ये सिर्फ 30 मिली एम्पियर खा रहा है सिर्फ इतना। और ये क्यों, क्योंकि स्लीप मोड में है, समझ रहे हो मेरी बात, इसका मतलब तुम्हारे फोन में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। तो जब फोन हाई बूट कर रहा हो या कोई कह रहा है कि फोन का बैटरी खा रहा है या आपके फोन का कोई आईसी गर्म हो रहा है और आपको मिल नहीं रहा, तो आपको पहले पूरा ऑन करके देखना है कि बेसिकली कोई कई बार क्या होता है इसे डीपैड पर लगाने पर शॉर्टिंग नहीं मिलती। हेलो, लीकेज पता नहीं चलता, कोई कैपेसिटर ढूंढो तो कोई पता नहीं चलता। रीजन इसलिए क्योंकि जब उसका पावर सेक्शन शॉर्ट हो जाता है, लीकेज हो जाता है सब पावर और मेन पावर, तो वो आपको बाहर कुछ भी नहीं बताएगा। आपको सबसे पहले
पहले तो ऐसे टाइम पे सब पावर को निकाल कर हेलो डीसी टू डीसी आईसी कौन सी डीसी टू डीसी आईसी चलो मान लेते हैं कि सेट के अंदर पीएम पीएमआई लगी है तो हम क्या करेंगे पीएमआई आईसी को निकालेंगे और उसके जो चार्जिंग बक कॉइल है हेलो चार्जिंग बक कॉइल पर हम अलग से एक चार वोल्टेज देकर देखेंगे कि बेसिकली ये कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इसलिए क्योंकि चार वोल्टेज से लेकर कि हाँ डीसी टू डीसी मेरी सही है कि खराब है फिर वही चीज हम पावर आईसी उठा के करेंगे समझा ना मेरी बात इस टाइम पे हम दोनों आईसीओ के जीआर चेक करेंगे हेलो क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम एलडीओ की ज्यादातर होती है समझ रहे मेरी बात क्योंकि ये पावर कंज्यूम एलडीओ की वजह से ज्यादातर होता है तो देखा जैसे कि आपने कि ये इसका एक मल्टीमीटर और ये इसका डीसी सप्लाई है और इसका एक पावर सेक्शन को आइडेंटिफाई करें फॉल्ट फाइंडिंग इसको बंद कीजिए चलो अब हम इसको फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं एक मोबाइल को किस तरह से ट्रेस करते हैं प्रैग्मा फिर से सो देखो अब तक कुछ खत्म नहीं हुआ चीजें बढ़ती जा रही है मतलब एक छोटा सा डिवाइस जो एक डीसी सप्लाई मशीन है जो एक मल्टीमीटर है उसके अलावा अब ये फॉल्ट फाइंडर भी है लेट्स इसको बंद करो पहले इसको बंद करो माउस यूज कर लो ठीक है आप ये सबसे पहला मल्टीमीटर यूज करो बस सबसे ऊपर वाला जी जी ऑन ये सो देखो माउस यूज कर लो तो आप देखो तो यहाँ पे ट्री जैसा एक मेन्यू आ गया आप इस ट्री मेन्यू में देखोगे तो मिला सर इसको स्क्रॉल कर सकते हो स्क्रॉल कर उधर आप इसका ये देखो क्या बढ़िया एनिमेशन दिया हुआ है हम यहाँ पर एक किसी भी जनरली एक मोबाइल में जाते हैं जैसे कोई भी एक एमआई के मोबाइल में रेडमी या कोई भी एक मोबाइल में चले जाओ यहाँ पर मॉडल भी देखे हर तरह के मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे वन प्लस है रियलमी है सैमसंग है सोनी है टेक्नो है वीवो है ठीक है आईफोन वापस आ गया फटाओ आसुस हो गया हुआवे हो गया इंफिनिक्स हो गया लेनोवो हो गया एलजी मेजू मोटोरोला नोकिया वन प्लस ओप्पो मिलता ओप्पो में चले जाओ ओप्पो के अंदर जाते हैं तो आप देखो कि साइड में आपको मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अगर हम इसके मॉडल्स में नीचे करके दिखाएं क्या लिस्ट है लिस्ट काफी लंबी है काफी आपको मॉडल्स मिल रहे हैं एफ सीरीज के मॉडल काफी हैं जनरली एफ सीरीज के मॉडल का सर्किट बहुत कम है गुड़ियों में भी इलाके बराबर है हम किसी एक मॉडल को मिला सर खोल लो जरा दिखाइए देखो इसका मॉडल है क्या मिल ये वाले इसका मॉडल नंबर देखो Oppo A54 तो Oppo A54 में क्या है क्या बात है Oppo A54 में आपको बता दूं बोर्नियों के अंदर भी उसका हार्डवेयर सलूशन नहीं है हेलो स्कीमेटिक नहीं है अब इन्होंने पूरा फॉल्ट फाइंडिंग दिया है तो मिलन सर हम इसकी चार्जिंग बोर्ड पे जाएंगे चार्जिंग को दिखाइए यहाँ पर चार्जिंग को सर्किट क्या क्या सर्किट आ रहे हैं मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है तो यहाँ ऑडियो तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियो नेटवर्क डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फ्रंट कैमरा आपका हेडसेट मतलब ये आपका वो हो गया 3.5 एमएचआई का कनेक्टर आईएसपी पिन आउट वेरी गुड कीपैड बटन मतलब ये बेसिकली आपके वॉल्यूम की के बटन है एलसीडी बैकलाइट पीएमयू इनपुट आउटपुट सर्किट चलो यही देख लेंगे पावर बूट पावर बूट क्या काम कर रहा है तो ये कुछ नई चीज लग रही है इसको भी खोलते हैं रियर कैमरा ठीक है और एसडी कार्ड सिम कार्ड टच यूएसबी चार्जर सर यूएसबी चार्जर को टिक करो तो यूएसबी चार्जर है आपका चार्जिंग सेक्शन तो जब हम इसको क्लिक करते हैं नोटिस करो तो देखो ये फाइल डाउनलोड कर रहा है अच्छा ये तभी खुलेगा जब आपके पास में टोकन डिवाइस नंबर होगा प्रग्माफिक्स का और आरकेएस डिवाइस होगा तो ये आपके पास विंडो है विंडो को हम बड़ा कर सकते हैं बड़ा इसी विंडो को चलाएंगे बड़ा करो जब एक बार ये देखो तो ये विंडो बन के आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड आ गया आपके फ्रंट और बैक पोजीशन के अंदर आप सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे कनेक्ट का बटन दबाकर ठीक है कोई हमें एक ही ड्राइवर कनेक्ट करना है ठीक है तो देखो कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं प्रगमा फिक्स में कोई बॉक्स नहीं है अगर इसमें बॉक्स होते तो ये अभी नॉट रिस्पोंडिंग होके बंद हो जाता
पर प्रथम फेज में कोई बात नहीं है, ये जो फॉल्ट है हमारे लैपटॉप का, लैपटॉप हमारा काफी पुराना है इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप देखो तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी आप देखो तो कुछ ओएल बन के आ रहा है, मतलब ये भी डायोड बोर्ड आपको देने वाला है। यहाँ पर टॉलरेंस लिखा हुआ है, एक्टिव पैसिव मेजर मैटर, नीचे टाइम दी हुई है कि आप कितने सेकंड में इसको चेक करना चाहते हो, और हम सामने कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बड़े यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले तो मिल से छोटा करो बनाया और 13,000 रुपए की कमाई सिर्फ एक जम्पर से एक फोन के अंदर, आप समझ रहे मेरी बात। और आज सुबह कम से कम 5 या 4 बजे उठकर बनाया, मतलब आज सुबह जो जैसे मैं डेली उठता हूँ तो आज 4 बजे उठे, 5 बजे या 5:30 बजे को बनाया और 6 बजे उसका रील अपलोड किया, तो मेरे इंस्टाग्राम में रील भी अपलोड है कि इसके पावर बूट का बढ़िया स्क्रीनशॉट मान लो और इसकी हर एक डिटेलिंग नोट कर लो। ये बता रहा है कि इस फोन के अंदर अगर ये मीडियाटेक डिवाइस है, A54 ओप्पो एक मीडियाटेक बेस्ड डिवाइस है जिसके अंदर 2 BQ का सर्किट आता है, एक मेन और एक सब चार्जिंग, जिसके अंदर अगर मैं मेन पावर की बात करूं तो मीडियाटेक या SPD, सर देखो SPD है क्या, मीडियाटेक है ना, MTK डिवाइस है। तो यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर देखो पावर बूट दिया है, 19 UPS बताया है, मैंने बात की थी लोग योगी प्रकाश, ये मौका मैं आप लोगों को भी दूंगा, आप मुझे बताइए आप में से कौन कौन इसके ऑनर से बात करना चाहता है, कुछ हेलो टेक्निकली अपने सवालों का जवाब चाहते हो ना आप लोग यहाँ पर। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझसे पूछिए कैसे रिलेटेड, जो भी आपको पूछना है मैं आपको आंसर करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता रहा हूँ DVD मॉडम, ये आपका DVD मॉडम जो वोल्टेज है, फिर उसके बाद DVD की कोर, मतलब ये पक सप्लाई है, ये DVD DVD VFX, फिर SRAM की सप्लाई, DVD SRAM की सप्लाई, EMI VDD, ये RAM की सप्लाई है, EMI VDD जिसको बेसिकली VDD 2 कहा गया है, Qualcomm के अंदर इसको केवल VDD 2 बोलते हैं, जिसको 1.2 वोल्टेज बनते हैं। और MediaTek के अंदर अगर बात करें बड़े मॉडल में इसमें एक RAM IC भी लगती है 12 वोल्ट की। इसके अलावा आप देखो तो AVDD IO AVDD 1.8 वोल्ट VA12 उन सेटों में आपको मिलेगी 6 लेग का IC जिसके अंदर 5 या 5 से कम कॉइल होंगे। हेलो यस सर, याद है वो एक जंपर, यस सर, तो हमने साथ में मिलकर मारा था है ना। तो यहाँ पर आप देखो VSIM, VSIM2, VMMC सब कुछ कैसा जैसा, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कनेक्ट करना है, बॉक्स कनेक्ट करो पहले सर, जो लाइन आपने पहले से शुरू की थी सर स्टार्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट बस। ठीक है कनेक्ट हो गया, सेम पॉइंट। अब वो उसको बस यहां रखते हैं, उसको ये चेक करना है कि ये लाइन कहीं लीकेज तो नहीं है, ये लाइन पास है कि फेल है ये करके। तो ये सब कुछ जो है ये काफी सरल हो गया है सिर्फ एक डिवाइस के, जो कि प्रेमोमैक्स का डिवाइस है। सर ये स्टॉप कीजिए, तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके मुद्दे पे आऊंगा। प्रथमा पिक्स के बारे में आपको डिटेलिंग दी कैसी लगी जरी? बहुत बढ़िया। हेलो, इसमें पावर सप्लाई, मल्टीमीटर और फॉल्ट फाइंडर, आपको कौन सा एक पहला फंक्शन अच्छा लगा मैं आपसे जानना चाहूंगा। और मैं यहाँ पर एक ही से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ आप मुझे बताइएगा एक एक जगह हो जाए, सिर्फ मुझे तीनों में से बताओ कौन सा सबसे बेस्ट लगा और क्यों। अरे लॉजिक एनालाइजर जैसे हमें जो ग्राफ दिख रहा है उसके अंदर बूट सीक्वेंस कब अपडाउन जा रहा है वो हमें पता चल रहा है, हमें पता चला, वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सर मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा फॉल्ट फाइंडर, जो हम प्रॉप कहां रखना है तो ये सीक्वेंस मिल रहा है। यस सर, वेरी गुड। आइए पूछो नहीं अच्छा लगा बिल्कुल मना करो। हेलो सर, जो बक्स होंगे उनको दूर करेंगे, समझ आ रहा मेरी बात, बताओ आपको क्या अच्छा लगा। फॉल फाइंडर अच्छा लगा, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा। फॉल फाइंडर अच्छा लगा, आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर। सर हमें फॉल फाइंडर बहुत अच्छा लगा, पूरा सर्किट चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां बताएंगे वहीं पर प्रॉम्प्ट चेक कर लेंगे हम और पूरा सर्किट ओके बता देंगे। वेरी गुड, आइए आपको क्या अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया चीज है,
अच्छा लेने से बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा मीटर से बढ़िया, मतलब इसमें कल को हम अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगा। फॉल फाइटर्स भी है, क्या बात है, और काफी लाइट डिवाइस है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आइए, मैं आपको इसका एक अपडेट भी देता हूँ। अभी हाल में आपको ZX परीक्षा मिलते हैं, पर क्या मतलब की ब्लाइंड शूट दे बताइए सर। फॉल फाइंडर अच्छा लगा, वेरी गुड। आइए भाई नेक्स्ट प्लीज बताइए। इसका फॉल्ट फाइंडर बहुत अच्छा है क्योंकि ये बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं, जो अभी तक के कोई जानते भी नहीं है, जो टेक्नीशियन है जी, जो काम करते हैं लोकल, जो 17 मल्टीमीटर उनके लिए तो बेस्ट है। बेस्ट मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसने बिगनर के लिए सोचा है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे इसने बहुत अच्छी बात कही है कि बिगनर भी काम कर सकते हैं। भाई आइए नेक्स्ट, आओ आओ भाई, आपको क्या अच्छा लगा सर? बिगनर भी यूज कर सकता है, आप तो नहीं हो ना, बट आपको हम बनाएंगे कोर, समझ आ रहा है मेरी बात, मेन पावर से कोर। आइए नेक्स्ट, आओ जेएनके। यस सर, बताओ सर, मुझे इसका फॉल्ट फाइंडर तो अच्छा लगा ही, और साथ में इसका ना जो डीसी मशीन का ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा लगा। क्या होता है एचडी क्या है, कई बार वीडियो बनाते हैं सो हमें बार बार डीसी मशीन पर रीडिंग शो करानी पड़ती है, सो पर्सनली मुझे सर का ये बहुत अच्छा लगा। हम इसे अच्छे से डिस्प्ले पे शो करा सकते हैं, और जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कब कितनी कैसी रीडिंग जाती है, कई बार क्या वीडियो बनाते समय इस बात का डाउट रह जाता है कि उन्होंने दिखाया कुछ है ऊपर दिखा बनाया कुछ है, सो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। तो मुझे, मैं ही कहना चाहता हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया सर? बहुत बहुत अच्छे से, और हालांकि सच बताएं हमारे देव सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, सो सच्ची में मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है आओ, अभी अभी लेंगे ना, सबके साथ लेंगे। आओ नेक्स्ट, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा, एक चीज बताइए। जी सर, इसका फॉल्ट फाइंडर सबसे बेस्ट लगा क्योंकि हम एक लाइन पे क्लिक करके पूरी चेक कर सकते हैं कि इस लाइन में एक एक जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, एक जगह क्लिक करने से पूरा सर्किट चेक हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा ओम्स मोड में भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स मोड में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारी रीडिंग और वोल्टेज दोस्तों के लिए बाकी ओम्स मोड में मेरे को समझ में नहीं आती है, क्योंकि ओम्स मोड बहुत ही जरूरी होता है। उपयोग नहीं करते हैं जो समझते नहीं उस चीज को, यहाँ पे बेटा हर कोई समझेगा कि नहीं समझेगा। हेलो, तो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत वेरी गुड, ठीक है, बहुत वेरी गुड। आओ नेक्स्ट भाई, आओ आगे आओ, अपनी राय दो जरा, बताइए आपको क्या लगा। सर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है, ये उन्होंने जैसा बोला था कि गरीब आदमी भी खरीद सकता है, उनके लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन है, जैसे मान लो मेरा भाई है, मान लो अब वो उसको मैंने किसी दुकान में बिठा दिया, अब उसको तो कहीं से सीखा नहीं है, तो एटलीस्ट इससे वो इतना तो चेक कर सकता है। मैं बोलता हूँ यूट्यूब से महा महा बेटर है, यूट्यूब में कोई मॉडल ढूंढेगा कुछ भी कुछ करता रहेगा, इसमें तो एटलीस्ट उसको स्टेप टू स्टेप मिल रहा है। वेरी गुड, आइए नेक्स्ट, आओ नेपाल, बताओ ये कैसा लगा, हाथ में रख के बताओ, पहले बताओ क्या कितना वेट है इसके अंदर? ज्यादा नहीं है, बहुत लाइट है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बताओ क्या अच्छा लगा, क्यों इसमें मुझे फॉल्ट फाइंडर बहुत पसंद, क्यों लगा? क्योंकि ये बिगिनर भी यूज कर सकता है, जो जिसके नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, जो इंस्टीट्यूट का अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आ जाओ, बताओ आप मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगा, बताइए फिर से बताइए। फॉल फाइंडर अच्छा लगा, क्यों लगा अच्छा, माइक में बताइए। जो नया काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आइए नेक्स्ट, आओ भाई, कॉल बचा है, हो गया सारे, ठीक है। तो भाई ठीक, तो मैं जानना चाहता हूँ कि योगी विलास जो टीम इन्होंने ये बनाई है वाकई में जोरदार बनाई है, और मैं एक बार खड़े होकर उनके लिए भी ताली बजाना चाहूंगा, और एक बार पूरे दोस्त के साथ होटल की घंटी हिलाई है। हेलो तो यार ब्रह्मा बेस वालों क्या कर रहा है, इतना जबरदस्त बनाया तो क्या मजा आ गया। ठीक है सर, प्लीज बैठ जाओ। चलो अब हम वो एक डायलॉग है ना, बहुत फेमस डायलॉग है हमारे रिपीडिंग में, कि जितना तुम एक महीने में कमाते हो ना मेरी जान, हेलो उतना हम एक जंपर मार के कमाते हैं। हेलो, दो तीन चार पांच छह सात, चलो भाई 5000।
क्या बात है, कोई भी नहीं रुक रहा यार। रुकेंगे सर, बैठिए सर, थोड़ी देर रुकेंगे। जल्दी करो, असेंबली में जरा भैया। आराम से कर, आराम से कर, बहुत टाइम है, आराम से कर। इनके आगमन से ज्यादा कर थक जाएगा जल्दी। हाँ चलो, एक बढ़िया लग रहा है। अगर आपको भी अगर बढ़िया लग रहा हो तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर महीने एक स्टूडेंट को आप गिफ्ट देंगे एक माइक्रोस्कोप, okay. वो भी उसकी नीड को देख के। बिल्कुल ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है।